आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। भारत के खाद्य तेलों के आयात बिल में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों अप्रैल से दिसंबर 2021 के दौरान देश का खाद्य तेल आयात बिल 75% बढ़कर 1,04,354 करोड़ रुपए हो गया, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 59,543 करोड़ रुपए था। सोपा के अध्यक्ष के मुताबिक बीते वित्त वर्ष के शुरुआत के 9 महीनों अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान भारत ने 59,543 करोड़ रुपए के खाद्य तेलों का आयात किया था। खाद्य तेलों के तेजी से बढ़ते आयात और आयात बिल पर चिंता व्यक्त करते हुए सोपा के अध्यक्ष का कहना है कि आयात पर हमारी निर्भरता खाद्य तेलों निर्यातक देशों और उनके तिलहन उत्पादकों को प्रीमियम मूल्य प्राप्त करने में मदद कर रही है। खाद्य तेलों का ज्यादा मात्रा में आयात करके हम उन्हें और समृद्ध बना रहे हैं, क्योंकि भारत खाद्य तेल का दुनिया में सबसे बड़ा आयातक बना हुआ है। सोपा के अध्यक्ष ने सुझाव दिया है कि खाद्य तेलों की मांग और आपूर्ति को संतुलित करने के लिए खाद्य तेलों को उच्च टैरिफ पर आयात किया जाना चाहिए। साथ ही एकत्रित हुए शुल्क को अन्य फसलों को क्रॉस सब्सिडी देने के बजाय घरेलू तिलहन क्षेत्र के विकास पर खर्च किया जाना चाहिए। भारत खाद्य तेल की अपनी घरेलू आवश्यकता का लगभग 60% आयात के माध्यम से पूरा करता है। खाद्य तेल के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए एक राष्ट्रीय मिशन की घोषणा भी की थी। मिशन के तहत देश में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से खाद्य तेल और पाम तेल का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए एक आवश्यक वातावरण विकसित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।